जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज के लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, जिनमें से सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल 2.6। आज के लेक्चर को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, एग्जांपल्स की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी है। आपने कुछ नए रूल मेथड आज आपने सीखने हैं तो तैयार रहें। एग्जांपल 2.6 स्टेटमेंट पर गौर करें। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स एक्ट थ्रू अ पॉइंट पी ऑफ अ बॉडी होज पोजीशन वेक्टर इन मीटर इज i-2j+k। बेटा आपके पास टेक्स्ट बुक सामने हो, सबसे पहले आपको बताया गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एक्ट थ्रू अ पॉइंट पी। एक फोर्स जो गुजर रही है पी पॉइंट से, बॉडी के पी पॉइंट से एक फोर्स गुजर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है i-2j+k। ये पोजीशन वेक्टर किस पॉइंट पर है याद रखना, अंडरलाइन कर लें पॉइंट पी। एक फोर्स एफ जो गुजर रही है किस पॉइंट से, पी पॉइंट से, और पी पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर, पी पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर i-2j+k। फिर आगे लिखता है इफ़ एफ, फोर्स एफ यूनिट इसका न्यूटन, फोर्स एफ की वैल्यू है 2i-3j+4k। फोर्स एफ आपको गिवन है। डिटरमिन टॉर्क, आपने मालूम करना है टॉर्क अबाउट ए। याद रखना टॉर्क के लिए आपको बताया था एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा, फिलहाल ए पॉइंट। डिटरमिन टॉर्क, टॉर्क बेटा कैलकुलेट करें, लेकिन टॉर्क किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर आपने टॉर्क कैलकुलेट करना है। होज पोजीशन वेक्टर इन मीटर, ए पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर है 2i+j+k। 2i+j+k, अगर आप स्टेटमेंट को गौर से देखें ना तो आपको बेटा फोर्स एफ भी गिवन है, पहले फोर्स गुजर रही है पी पॉइंट से और पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट वो भी गिवन है। आपने मालूम करना है टॉर्क, टॉर्क ए पॉइंट पर और ए पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर भी गिवन है। तो अब इसी स्टेटमेंट के मुताबिक तवज्जो करें, देखते जाएं। जी पहले मैंने लिखा है, डेटा बनाता हूँ, अप्लाइड फोर्स एफ, फोर्स का यूनिट न्यूटन, 2i-3j+4k। फिर लिखा है इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। देखें बेटा वाजे किया है ए पॉइंट पर, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर दो पॉइंट थे, एक ए पॉइंट था और एक पी। मैं फिलहाल लिख रहा हूँ इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ए पॉइंट वाला पोजीशन वेक्टर, इसे हम नाम देंगे r1 का, 2i+j+k, और यूनिट पोजीशन वेक्टर के लिए मीटर। फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, फाइनल पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट पर, फाइनल पी पॉइंट से गुजरने वाला पोजीशन वेक्टर, इसे नाम देंगे r2 है i-2j+k, यूनिट मीटर। जी बेटा तो आपके सामने फोर्स एफ गिवन है, दो पोजीशन वेक्टर हैं, एक पोजीशन वेक्टर ए पॉइंट के लिए r1 और एक पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट के लिए r2। अब हमें टॉर्क मालूम करना है, बताओ ज़रा किस पॉइंट के लिहाज से,
ए के लिहाज से, हमें टॉर्क मालूम करना है ए के लिहाज से, तो ये याद रखें पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी रिलेटिव टू ए, ए के लिहाज से पोजीशन वेक्टर पहले लिखें पी फिर माइनस ए के लिहाज से यानी आर वन, तो आर इक्वल है आर टू माइनस आर वन। पोजीशन वेक्टर पहले पी का आर टू, फिर लिखें ए का पोजीशन वेक्टर आर वन, ए के लिहाज से टॉर्क चाहिए तो आर इक्वल आर टू माइनस आर वन। फार्मूला आप सबको याद है आर इक्वल आर टू माइनस आर वन, कीमतें दर्ज करें आर टू है आई माइनस टू जे प्लस के, फिर माइनस ब्रैकेट में आर वन, ब्रैकेट ओपन करें ये सारे प्लस हैं माइनस हो जाएंगे माइनस टू आई माइनस जे माइनस के, आई माइनस टू आई इसको सॉल्व करें आई माइनस टू आई बाकी रह गया माइनस आई, माइनस टू जे माइनस जे ऐड करें माइनस थ्री जे, प्लस के माइनस के कैंसल तो आर पोजीशन वेक्टर आर, आर वेक्टर आया माइनस आई माइनस थ्री जे, आर वेक्टर मिल गया। अब हमें चाहिए टॉर्क, हमारा मकसद है टॉर्क कैलकुलेट करना, टॉर्क प्रोड्यूस्ड अबाउट ए, ए पॉइंट के लिहाज से टॉर्क कैलकुलेट करें। टॉर्क, टॉर्क का फार्मूला है टा इक्वल आर क्रॉस एफ, टॉर्क एक क्रॉस प्रोडक्ट है आर पोजीशन वेक्टर और एफ के दरमियान। बेटा यहाँ ये मेथड हमारी टेक्स्ट बुक में भी नहीं, ये आपको एक नया मेथड सिखाते हैं शॉर्टकट मेथड एक्यूरेट मेथड। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट के हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, आपने ये डिटरमिनेंट बनाकर, ये दो पैरेलल लाइंस आप देख रहे हैं डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट बनाकर, जैसे टेंथ क्लास में आपने मैट्रिक्स कालब सुना था उससे अगली शक्ल, मैट्रिक्स से अगली है डिटरमिनेंट, तो क्रॉस प्रोडक्ट के इस एग्जाम्पल को भी और फर्दर आगे चैप्टर में न्यूमेरिकल आएंगे सबको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट बनाकर। डिटरमिनेंट में आपको याद रखना है हॉरिजॉन्टल लाइन रोज होती हैं, वर्टिकल लाइन कॉलम्स हैं, पहले आप डिटरमिनेंट बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन रो और वर्टिकल लाइन बेटा कॉलम, वर्टिकल लाइन कॉलम, पहली रो में आपने तीन यूनिट वेक्टर रखे आई हैड जे हैड के हैड, जी पहली रो में आपने तीन यूनिट वेक्टर लिखे आई हैड जे हैड के हैड आई जे के, उसके बाद फिर आपने आर वेक्टर आर के आपने एक्स वाई जेड कंपोनेंट लिखने हैं, आई के नीचे लिखना है एक्स कंपोनेंट आर वेक्टर का, फिर जे के नीचे वाई कंपोनेंट, के नीचे जेड कंपोनेंट, आर वेक्टर, ये आर वेक्टर है ना देखें आई माइनस थ्री जे, तो आई से पहले क्या है माइनस वन, एक्स कंपोनेंट माइनस वन, ये आपने माइनस वन लिखा है आई के नीचे, जे से पहले माइनस थ्री तो माइनस थ्री, ये जे के नीचे माइनस थ्री, इसमें के है ही नहीं इसलिए डायरेक्ट ज़ीरो, के है ही नहीं ज़ीरो, पोजीशन वेक्टर आर लिख दिया, अब लिखना है एफ फोर्स एफ, फोर्स एफ, एफ आपके पास था टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के, आई से पहले एक्स कंपोनेंट टू, ये टू लिखा है आई के नीचे, जे से पहले वाई कंपोनेंट माइनस थ्री, ये माइनस थ्री, के से पहले जेड कंपोनेंट फोर, ये फोर लिखा, ये आपने डिटरमिनेंट बना दिया डिटरमिनेंट। टॉर्क हासिल करना है, टॉर्क है आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट को हल करने का मुख्तसर मेथड तरीका डिटरमिनेंट, ये आपने बेटा डिटरमिनेंट बनाया, अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। याद रखना रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, आई हमेशा पॉजिटिव,
जे हमेशा नेगेटिव, के हमेशा पॉजिटिव। आई के साथ साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। जिस मर्जी रो या कॉलम से चलें, जब भी आप आई यूनिट वेक्टर को सॉल्व करेंगे, आई के साथ साइन आएगा पॉजिटिव, जे के साथ नेगेटिव, के साथ पॉजिटिव। अब आई देखें, आई जिस रो में है वो रो कैंसल, जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसल। यूं समझें ज़रा, ये देखें बेटा, ये आई, आई जिस रो में है, ये मैंने रो के ऊपर ये मार्कर रख दिया, समझे है ही नहीं। आई आई को सॉल्व कर रहे हैं ना, आई जिस रो में है वो रो ख़त्म, आई जिस कॉलम में है ये लें, ये कॉलम भी ख़त्म। क्या आपको चार डिजिट नज़र आ रहे हैं बेटा? चार डिजिट, चार डिजिट आपको कौन से नज़र आएंगे? माइनस थ्री ज़ीरो, माइनस थ्री फोर। आई हल करने का तरीका, आई जिस रो में है वो रो ख़त्म और जिस कॉलम में है वो कॉलम ख़त्म। पेन रखने का मतलब है ही नहीं। अब हमारे पास बेटा कितने डिजिट हैं? ओनली कितने हैं? फोर, चार। ये देख लें, ये चार डिजिट। अब रूल सुन लें, पहले आप माइनस थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस थ्री को फोर से, माइनस थ्री को फोर से मल्टीप्लाई। आप देख सकते हैं ट्वेल्व लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये देखें माइनस ट्वेल्व। माइनस थ्री को फोर से मल्टीप्लाई, जी बेटा माइनस ट्वेल्व हो गया। फिर आप साइन लगाएं माइनस फार्मूले का, हमेशा माइनस का साइन, माइनस ट्वेल्व के बाद एक और माइनस का साइन फार्मूले का। फिर आप माइनस थ्री को ज़ीरो से मल्टीप्लाई, ज़ीरो। ये आपने सॉल्व किया आई को, आई हमेशा पॉजिटिव, आई को क्या करना है? आई जिस रो में वो रो ख़त्म, जिस कॉलम में कॉलम ख़त्म। चार डिजिट बच गए, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले आप मल्टीप्लाई करोगे किसको? माइनस थ्री को फोर से, माइनस ट्वेल्व आ गया। फिर माइनस फार्मूले का लगाएंगे, माइनस थ्री को ज़ीरो से मल्टीप्लाई, ज़ीरो। आई की कहानी ख़त्म। आई के बाद अब हम आते हैं जे, जे हमेशा नेगेटिव, देख सकते हैं माइनस जे लिखा है मैंने। अब बेटा जे जिस रो में है, देखें ज़रा, वो रो ख़त्म, ये पॉइंटर रख दिया। अब जे जिस कॉलम में है वो कॉलम भी ख़त्म। बताओ जी, बात क्लियर हो गई? जे जिस रो में है रो ख़त्म, कॉलम भी ख़त्म। चार डिजिट आपको नज़र आएंगे, चार डिजिट कौन से? माइनस वन, ज़ीरो, टू, फोर। अब आपने इसे सॉल्व करना है, माइनस वन को मल्टीप्लाई करें फोर से, माइनस फोर। ये देखें जे के साथ ब्रैकेट में माइनस फोर लिखा हुआ है। फिर माइनस फार्मूले का, अब आपने टू को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया, ज़ीरो, ये लिखा हुआ है माइनस ज़ीरो। आई हमेशा पॉजिटिव, जे के साथ नेगेटिव, इसी तरह के साथ पॉजिटिव। अब के जिस रो में है वो रो ख़त्म, ये देखें ना, ये के, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, ये ले बेटा। अब चार डिजिट कौन से बाकी रह गए? माइनस वन, माइनस थ्री, टू, माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस वन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करें, थ्री, ये लिखा हुआ है थ्री। फिर माइनस फार्मूले का, उसके बाद टू को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सिक्स। यहाँ एक माइनस का साइन फार्मूले का और एक माइनस सिक्स मल्टीप्लाई का। अब इसको सॉल्व करना है आपने, माइनस ट्वेल्व आई। अब देखें ना, ये माइनस फोर को ज़ीरो से माइनस करें, माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस, तो ये फोर जी, माइनस माइनस प्लस, थ्री प्लस सिक्स, नाइन, नाइन के, तो टॉर्क आ गया माइनस ट्वेल्व आई प्लस फोर जे प्लस नाइन के यूनिट न्यूटन मीटर।
तो बार बार बेटा ये एग्जाम्पल आप सुनेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट वाला ये मेथड आपने पहले नहीं सुना। आई हमेशा पॉजिटिव, जे नेगेटिव, के पॉजिटिव, ये करना है। और फिर जब आप आई को सॉल्व करेंगे तो चार डिजिट मिलेंगे। पहले दो को क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन, फिर दो को क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरह आई जे के टॉर्क हासिल करेंगे न्यूटन मीटर। बार बार लेक्चर को सुनेंगे, वीडियो को सुनेंगे, तभी बेटा आपके लिए आसानी होगी। बार बार इसकी प्रैक्टिस करने पर एग्जाम्पल 2.6 सॉल्व। अब हम आते हैं इसके बाद एग्जाम्पल 2.7 पर, लेकिन पहले आप स्टेटमेंट बुक से रीडिंग कर लें एग्जाम्पल 2.7। तवज्जो से बेटा एग्जाम्पल 7 को देखें। अ लोड इज सस्पेंडेड बाय टू कॉर्ड एज शॉन इन फिगर। ये फिगर आपके सामने बनी है, एक लोड को सस्पेंड लटकाया गया टू कॉर्ड, दो रस्सियों की मदद से। ये आप देख सकते हैं ये डायग्राम में, ये लोड एक वेट है, ये वेट नज़र आ रहा है। इस वेट को लटकाया गया दो रस्सियों की मदद से। ये देखें, ये पहली रस्सी ये जा रही है, एंगल 20 डिग्री बना रही है। ये दूसरी रस्सी एंगल 60 डिग्री। इस लोड को लटकाया दो रस्सियों की बदौलत, दो रस्सियों की बदौलत। पी पॉइंट पर सस्पेंडेड लटका है एक लोड, लोड को आपने लटकाया दो रस्सियों की मदद से। दो रस्सियां, रस्सी में टेंशन एक T1 और एक T2। दो रस्सियां हैं तो दो टेंशन, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, रस्सी में टेंशन। एक टेंशन कहलाएगी T1, एक टेंशन T2। अच्छा जी, डिटरमाइन मैक्सिमम लोड, क्या मालूम करना है मैक्सिमम लोड। ये जो आपका वेट है W, मैक्सिमम लोड, आपने ये लोड वेट, लोड मालूम करना है मैक्सिमम लोड। ये जो लोड वर्टिकली डाउनवर्ड है, वेट आपने मालूम करना है। सस्पेंडेड एट पी पॉइंट पर लटका हुआ ये लोड वेट मालूम करें। हाईलाइट करना ये बात, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द कॉर्ड 50 न्यूटन। ये याद रखना, ये न्यूमेरिकल में बहुत अहम की पॉइंट है, मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द कॉर्ड। वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स, ताकत, स्ट्रेस जिससे रस्सी टूट सकती है वो है 50 न्यूटन। मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस कॉर्ड रस्सी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस 50 न्यूटन। हमें क्या मालूम करना है, लोड। जी बेटा, स्टेटमेंट आपने सुने, डायग्राम पर तवज्जो। हाँ जी, कितनी रस्सियां हैं, दो रस्सियां। कितनी रस्सियां जी, दो। एक वेट, एक लोड, ये आपके सामने देख रहे हैं, ये वेट लोड है। इस लोड को आपने लटकाया दो रस्सियों की मदद से। पहली रस्सी टेंशन इन वन स्ट्रिंग, पहली रस्सी की टेंशन T1, ये पहली रस्सी, ये बेटा एरो शो कर रहा हूँ, पहली रस्सी इसकी टेंशन T1, पहली रस्सी इसकी टेंशन T1, दूसरी रस्सी इसकी टेंशन T2। टेंशन इन वन स्ट्रिंग T1, टेंशन इन टू स्ट्रिंग T2। ख्याल रखना इस बात का, T1 के लिए एंगल θ1 60 डिग्री, T1 के लिए एंगल θ1 60 डिग्री, T2 के लिए एंगल θ2 20 डिग्री। दो रस्सियां, रस्सियों में टेंशन, एक T1 एक T2। मैक्सिमम लोड सस्पेंडेड, पी पॉइंट पर लटका हुआ ये लोड, ये वेट आपने मालूम करना है, वेट। अच्छा जी, डेटा आपका मुकम्मल। जी, दो रस्सें आपको दी गई, एक की टेंशन T1 एक की T2 और वेट आपने मालूम करना है। अब पहला टास्क आपका ये है कि क्योंकि ये कोप्लेनर फोर्सेस हैं,
T1, T2 और वेट W, तीन फोर्सेस हैं, ठीक है जी, तीन फोर्सेस। आपने अब क्या करना है, T1 और T2, पहला टास्क आपका ये है कि आपने T1 और T2 इन दोनों टेंशन को कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, T1 के दो कंपोनेंट एक एक्स और एक वाई, T2 के दो कंपोनेंट एक एक्स और एक वाई, T1 के, या दूसरी डायग्राम और ज़्यादा क्लियर, ये दोनों जब न्यूमेरिकल आएगा दोनों डायग्राम बनानी है। T1 के बेटा कंपोनेंट याद है ना, हेड से जो परपेंडिकुलर, ये T1, ये P पॉइंट है, इस पर आप देख सकते हैं तीन फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक T1, एक T2 और एक वेट W। आपने T1 के दो कंपोनेंट किए, हॉरिजेंटल कंपोनेंट T1 cos 60 और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की जानिब T1 sin 60। T1 के लिए एंगल 60 था। इसी तरह T2, टेंशन T2 के दो कंपोनेंट करें, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। एरो का ख़ास ख्याल, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट T2 cos 20 और वर्टिकल कंपोनेंट T2 sin 20। पहला टास्क आपने T1 और T2 को कंपोनेंट में रिजॉल्व करें। अब आप अप्लाई करें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नो अप्लाई करना है फर्स्ट कंडीशन सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो। सम लेना है तमाम हॉरिजेंटल एक्स फोर्सेस का। आप गौर करें तो हॉरिजेंटल फोर्सेस दो हैं, दो, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट पर। सिग्मा एफ दोनों का सम ज़ीरो, लेकिन इन दोनों में एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव। आपको रूल याद है, राइट वाली फोर्स पॉजिटिव T2 cos 20 और लेफ्ट वाली नेगेटिव माइनस T1 cos 60। दोनों का सम ज़ीरो, हॉरिजेंटल फोर्सेस दो हैं, दोनों का सम ज़ीरो, लेकिन एक पॉजिटिव राइट साइड वाली, एक नेगेटिव लेफ्ट वाली। कैलकुलेटर से cos 20 cos 60 लें, T1 नेगेटिव, इधर आकर ये पॉजिटिव। अब बेटा यहाँ से T1 लें, T1 हासिल करना है तो 0.5 मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड T2। इन दोनों को डिवाइड करें, राउंड ऑफ करें तो T1 आया आपके पास कितना, 1.88 T2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर वन T1 इक्वल 1.88 T2। ये इक्वेशन वन खुद कह रहा है कि T1 ज़्यादा है T2 से, कितना, 1.88। अच्छा जी, इसने लिखा है T1 ग्रेटर देन T2। अब T1 क्योंकि ज़्यादा है तो T1 हैज़ आपका कहलाएगा मैक्सिमम स्ट्रेस। और अगर आपको याद हो स्टेटमेंट में आपको बकायदा अंडरलाइन करवाया था, मैक्सिमम स्ट्रेस जो कॉर्ड के लिए क्या वैल्यू है, 50 न्यूटन, 50। तो T1 को आपने 50 फर्ज कर लिया, इफ़ का वर्ड है, गौर कीजिएगा, इफ़ का वर्ड। इक्वेशन वन बता रही है कि T1 T2 से ज़्यादा कितनी, 1.88 टाइम। अब T1 ज़्यादा है तो T1 ज़्यादा है T2 से, तो T1 आपका कहलाएगा मैक्सिमम स्ट्रेस, और मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू 50 न्यूटन। मैक्सिमम स्ट्रेस T1 की वैल्यू बुक में स्टेटमेंट में गिवन 50 न्यूटन। अब इस T1 50 न्यूटन को पुट कर दें इक्वेशन वन में, यहाँ T1 की जगह 50 दर्ज कर दें। ये बेटा आपने इक्वेशन वन लिखें, ये इक्वेशन वन, T1 की जगह 50 दर्ज कर दिया, इक्वल 1.88 T2। यहाँ से T2 निकाल दें और T2 आपके पास कितना आ गया जी, डिवाइड करें 26.6 न्यूटन, ये आ गया T2। स्टेटमेंट के मुताबिक
ऑलरेडी आप जानते हैं कि टी वन की वैल्यू है कितनी, वैल्यू है टी वन की 50 और टी टू की अब वैल्यू आ गई 26.6 न्यूटन। एक मरतबा फिर अप्लाई करें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ वाई ज़ीरो, पहले था सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो, उससे आपने टी वन और टी टू दो वैल्यूज़ हासिल की। अब आप फिर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएं सिग्मा एफ वाई वाई एक्सिस ऊपर और नीचे। अब देखें सिग्मा एफ वाई वाई वर्टिकल अप एंड डाउन, तीन फोर्सेस हैं, टी वन साइन 60 ऊपर पॉजिटिव, टी टू साइन 20 ऊपर पॉजिटिव, और वेट किधर है डाउनवर्ड नेगेटिव। इन तीनों का सम ज़ीरो, साइन का ख्याल रखना है, टी वन साइन 60 टी टू साइन 20 ये दोनों ऊपर की जानी पॉजिटिव माइनस वेट नीचे की जानी नेगेटिव, तीनों का सम ज़ीरो। कैलकुलेटर से साइन 60 लिया साइन 20 कीमतें दर्ज, माइनस डब्ल्यू इधर आकर प्लस डब्ल्यू, अब टी वन और टी टू की कीमत दर्ज कर दी, टी वन की जगह 50 टी टू की जगह 26.6, मल्टीप्लाई करें एडिशन प्लस माइनस करने पर वेट आया 52 न्यूटन, तो रिजल्ट पी पॉइंट पर मैक्सिमम लोड दैट कैन सस्पेंडेड, पी पॉइंट पर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोड सस्पेंडेड लटका है वो है बेटा वेट 52 न्यूटन, वेट 52 न्यूटन। तो यहाँ ये हमारी एग्जांपल सॉल्व हुई 2.6, दोनों डायग्राम बनाएंगे, हर एक स्टेप तसल्ली से हल करना है, फिगर नीट एंड क्लीन, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जांपल आसान। अब हम आते हैं बेटा एग्जांपल 2.8 की जानिब, एक और एग्जांपल डायग्राम वाली जी, एग्जांपल 2.8 जी बेटा, स्टेटमेंट पर तवज्जो ताकि आप साथ साथ स्टेटमेंट को सुनते जाएं और डायग्राम बनाते जाएं। एग्जांपल 2.8 में स्टेटमेंट रीडिंग करूंगा, डायग्राम ये बनी हुई है, ये एक डायग्राम, जिस बच्चे को डायग्राम क्लियर होगी बेटा उसके लिए आसानियां जी। एग्जांपल 2.8, अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ 200 न्यूटन इज सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली शोन इन फिगर। पहले क्या बताया गया, यूनिफॉर्म आपके पास बीम, एक यूनिफॉर्म बीम है आपके पास, ये आप देख सकते हैं बीम, बीम को सहारा दिया गया हॉरिजॉन्टली 200 न्यूटन, ये बीम का वेट आप डायग्राम में देखें बेटा, ये ए से डी तक ये ब्लैक कलर में देख रहे हैं, ये है बीम, और इस बीम का वेट कितना बताया गया 200 न्यूटन, ये आप देख सकते हैं, ये वेट सी पॉइंट पर 200 न्यूटन, वेट हमेशा सेंटर से गुजरता है तो सी पॉइंट वेट 200 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड। साथ साथ फिगर वजाहत कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले बेटा ये आपके पास ब्लैक कलर का बीम नज़र आ रहा है, इस बीम का वेट कितना है 200, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, बीम का वेट सेंटर से गुजर रहा है, सेंटर से बीम का वेट सी पॉइंट से 200 न्यूटन। इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द रोप इज 400 न्यूटन, इस बीम को बांधा गया एक रस्सी के साथ और रोप रस्सी पर अमल करने वाली फोर्स 400 न्यूटन, डायग्राम में देख सकते हैं ये डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर ये अमल करने वाली, ये इस डी पॉइंट पर आपने एक रोप रस्सी बांधी, रस्सी से लटकाया हुआ है, बांधा हुआ है, और रोप रस्सी के लिए 400 न्यूटन ब्रेकिंग स्ट्रेस, रस्सी पर अमल करने वाली फोर्स, और ये फोर्स अपवर्ड हैं, अपवर्ड 400 न्यूटन। अच्छा जी, ये रस्सी जो ऊपर की जानिब सहारा दे रही है 400 न्यूटन फोर्स,
हाउ फार कैन मैन, हाउ फार कितना आदमी चले, आदमी कितना वॉक करे, मैन आदमी कितना ऑफ वेट, 400 न्यूटन। कहते हैं जी आदमी का वेट कितना है, 400 न्यूटन। ये 400 न्यूटन वाला आदमी वॉक करे चले फ्रॉम पॉइंट ए से। ये देखें ना, ये डायग्राम में देखें, ये ए पॉइंट नज़र आ रहा है। इस ए पॉइंट से ये आदमी चलता जाए चलता जाए चलता जाए चलता जाए ये बी पॉइंट तक पहुंचा आदमी। आदमी का वेट कितना है फिगर में देखें, 400 न्यूटन। हमने बताना है जी 400 न्यूटन। ये आदमी ए पॉइंट से चलता जाए, ए पॉइंट से, ए पॉइंट याद रखिएगा, पॉइंट ए। पूरी स्टेटमेंट में आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो है ए पॉइंट, ए पॉइंट। ये आदमी ए पॉइंट से चलता जाए, कितने दूर जाए कि रस्सी के टूटने का ख़तरा ना हो, बीम के गिरने का ख़तरा ना हो। अब आदमी कहाँ है, बी पॉइंट पर। यानी आपने आदमी का ये फासला ए से बी तक, ये फासला डी, डी आपने मालूम करना है जी। तो स्टेटमेंट के मुताबिक अब डेटा बनाते हैं जी। बेटा सबसे पहले गौर करें, इस पूरी स्टेटमेंट में आप को तीन वेट दिए गए, तीन वेट। एक वेट का सिंबल मैंने W लिखा, एक का W डैश और एक का W डबल डैश। तीन वेट दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक डेटा। सबसे पहले वेट ऑफ बीम, बीम का वेट W 200 न्यूटन। आप देख सकते हैं सी पॉइंट पर इस बीम का वेट सेंटर से गुजर रहा है, वेट डाउनवर्ड 200। ये 200 क्या है, वेट है बीम का, W सिंबल वर्टिकली डाउनवर्ड सी पॉइंट पर। फिर बताया गया वेट ऑफ द मैन, आदमी का वेट। आदमी कहाँ पर है जनाब, ये आदमी कहाँ पर है, बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर आदमी, इसका वेट है W डैश 400 न्यूटन। आदमी ए पॉइंट से चलते चलते फाइनली कहाँ पहुँचा, बी पर। बी पर इसका वेट कितना है, W डैश 400 न्यूटन। इसके बाद है ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द रोप, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द रोप। रस्सी कहाँ टूटे जी, रस्सी को ज़्यादा से ज़्यादा रस्सी के लिए जो फोर्स लगाई गई उसे W डबल डैश कहें, और बेटा वैल्यू 400 न्यूटन। स्टेटमेंट के मुताबिक डायग्राम में वाजे तीन वेट, एक वेट है बीम का सी पॉइंट पर 200 न्यूटन डाउनवर्ड, एक वेट है आदमी का बी पॉइंट पर 400 न्यूटन डाउनवर्ड, एक है रोप रस्सी जो बांधी इस पर अमल करने वाली फोर्स 400 न्यूटन अपवर्ड, अपवर्ड। डायग्राम में वाजे है कि टोटल लेंथ बीम की, बीम की टोटल लेंथ ए से डी तक टोटल लेंथ 6 मीटर, ये लिखा हुआ है। फिर लिखा है डिस्टेंस ऑफ एज टू द सेंटर ऑफ द बीम, एज से, ये एज, ये आपका ए पॉइंट पिविट पॉइंट, ए से सी तक सेंटर तक फासला 3 मीटर। देखे ना टोटल 6 मीटर का बीम है तो आधा फासला ए सी 3 मीटर। डिस्टेंस ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट फ्रॉम ए, डिस्टेंस ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट फ्रॉम ए जी, ए से ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट वो पॉइंट है बी पॉइंट जहां आदमी मौजूद है। इस बी पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट बी पॉइंट से ए तक का फासला ए से बी, और वो है बेटा डी, डी हमने मालूम करना है, डिस्टेंस डी। ब्रेकिंग पॉइंट से ए तक का फासला, ब्रेकिंग पॉइंट है आपका बी, बी जहां पर्सन आदमी मौजूद है, बी से ए तक का फासला डी आपने डिस्टेंस मालूम करना है। अब अप्लाई करें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ए, हाईलाइट कर लें एट पॉइंट ए, आपका टर्निंग पॉइंट ए, यानी ए पॉइंट आपका पिविट पॉइंट है, ए पॉइंट के लिहाज से आपने टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क
क्या मालूम करना है आपने? टॉर्क। ए पॉइंट के लिहाज से आपने टॉर्क मालूम करना है। अब देखें ना, डेटा में एक वेट डब्ल्यू है, एक डब्ल्यू डैश है और एक डब्ल्यू डबल डैश है। तीन फोर्सेस, तीन वेट, तीन फोर्सेस हैं, तो तीन टॉर्क होंगे। इनमें कुछ टॉर्क होंगे बेटा पॉजिटिव, कुछ टॉर्क नेगेटिव। जी अब सबसे पहले आप देखें ये वेट, ज़रा मैं आपकी आसानी के लिए, ये वेट सी पॉइंट वाला ये वेट, अब बताओ ये कौन सी रोटेशन है बेटा? क्लॉकवाइज। तो 200 न्यूटन जो टॉर्क पैदा करेगा बेटा, ये क्लॉकवाइज है और ये नेगेटिव होगा। हाँ जी, सी पॉइंट पर वेट 200 डब्ल्यू, टॉर्क का क्या फार्मूला होता है याद है आपको? टा इक्वल आर एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क आर एफ। तो एफ हो गया वेट मल्टीप्लाई ए सी। अब ये देखें ना, ये वेट है, ये 200 न्यूटन वेट है, तो वेट के लिए मोमेंट आर्म ए सी। मोमेंट आर्म कहाँ से कहाँ था? ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ये पिविट पॉइंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फासला ए से सी तक, मोमेंट आर्म ए से सी। तो वेट हो गया डब्ल्यू, एफ हो गया वेट डब्ल्यू, ए सी मोमेंट आर्म। अब यहाँ माइनस क्यों लगाया? क्योंकि आप देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। अब आ जाएं डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू डैश वेट आदमी का, ये आदमी का वेट, आदमी बी पॉइंट पर है, वेट 400 न्यूटन। तो ये भी देखें, ये भी क्लॉकवाइज। जी तो वेट हो गया डब्ल्यू डैश 400 और इसके लिए मोमेंट आर्म बनेगा बी, ए से बी तक। पहले था ए सी, अब ए बी, ए बी। वेट हो गया आदमी का डब्ल्यू डैश, ये फोर्स हो गया, मल्टीप्लाई ए बी मोमेंट आर, माइनस क्यों लगाया? क्लॉकवाइज। अब तीसरा वेट है रोप रस्सी, रस्सी पर अमल करने वाली फोर्स, और ये अपवर्ड ऊपर की जानिब है, तो इसके लिए टॉर्क, जी इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो ये पॉजिटिव। तो रस्सी के लिए वेट डब्ल्यू डबल डैश और इसके लिए मोमेंट आर्म ए से डी तक, ए डी। ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज। इन तीनों टॉर्क का सम जीरो। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आपका पिविट पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन ए है, दो टॉर्क नेगेटिव एक पॉजिटिव, तीनों का सम जीरो। कीमतें दर्ज करें, वेट की जगह 200 ए सी, फिगर में देख सकते हैं 3 मीटर, डब्ल्यू डैश 400 ए बी, ए से बी ये डी मालूम करना है, वे डब्ल्यू डबल डैश 400 ए डी, ए से डी तक 6 मीटर। अब सिंप्लीफाई करें, माइनस 600 2400 माइनस 1800, ये नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव, डी चाहिए 400 इधर आकर डिवाइड करें, फोर डिस्टेंस 4.5 मीटर। तो रिजल्ट क्या निकला आपके पास? डिस्टेंस ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट फ्रॉम ए, ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ पर्सन आदमी मौजूद है, बी, बी से ए तक का फासला डिस्टेंस डी कितना बेटा? 4.5 मीटर। तो यहाँ ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। इस लेक्चर में आपने तीन एग्जाम्पल सुने, एग्जाम्पल 2.6, 2.7, 2.8। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी बेटा आपको ये एग्जाम्पल्स क्लियर होंगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।